अगर आप लोग लिनक्स यूज़ करना चाहते हैं या फिर अगर आप लोग लिनक्स यूज़ कर रहे हैं या फिर अगर आप लोग कंप्यूटर स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग को ये 10 लिनक्स कमांड्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारे लिनक्स कमांड्स गाइस काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और इन सब कमांड्स का यूज़ करके आप लोग अपने काम को काफ़ी ज़्यादा ईजी बना सकते हैं। आप लोग फाइल डायरेक्टरी के साथ खेलना सीख जाएंगे। सो ये सारे कौन से कमांड्स होने वाले हैं मैं आप लोग को बताऊंगा। सो गाइस मैं एक डेटा इंजीनियर हूँ, आईटी फील्ड में ये सब कमांड का यूज़ हम लोग अभी भी करते हैं, तो समझ जाओ गाइस काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। आप लोग अपने कमांड लाइन से ही अपने फाइल में काफ़ी कुछ कर सकते हैं, पूरा फाइल सिस्टम आपके हाथ में होगा। आप लोग बिना लिनक्स इंस्टॉल किए अलग से आप लोग विंडोज़ के अंदर ही लिनक्स कमांड का इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को भी ये सारे कमांड्स के बारे में जानना है तो आप लोग वीडियो पर बने रहें, और गाइस वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं अपने विंडो स्क्रीन पे आ चुका हूँ, और गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ लिनक्स कमांड यूज़ करने के लिए आप लोगों को अलग से लिनक्स को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, आप लोग अपने विंडोज़ के अंदर ही सिंपली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दो तरीके बताऊँगा, दो तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हैं लिनक्स कमांड को। पहला तो होने वाला है गाइस पावर सेल। यस गाइस आप लोग पावर सेल की सहायता से लिनक्स कमांड को यूज़ कर सकते हैं और आप लोग को गिट बैश मिल जाता है। यस गाइस अगर आप लोग आईटी फील्ड में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोग को गिटहब गिट के बारे में तो पता ही होगा। जब भी हम लोग गिट कमांड यूज़ करते हैं तो हम लोग गिट बैश इंस्टॉल करना पड़ता है, तो आप लोग अगर गिट बैश इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग लिनक्स कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा पावर सेल की सहायता से लिनक्स कमांड यूज़ करना। तो आप लोग अपने विंडो सर्च बार में सिंपली जाए और यहाँ पर सर्च कर दे पावर सेल। सो गाइस पावर सेल जैसे आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है इसको आप लोग रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करके ओपन कर ले। पावर सेल ओपन हो चुका है। सो दोस्तों आज की लिस्ट का हमारा पहला कमांड होने वाला है cd कमांड। यस गाइस cd कमांड की सहायता से हम लोग करंट डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। तो cd का फुल फॉर्म भी होता है करंट डायरेक्टरी। cd कमांड की सहायता से हम लोग अपने पाथ को इजीली चेंज कर पाएंगे। पाथ मतलब सिंपली फाइल का लोकेशन। तो जैसे कि सी ड्राइव के अंदर कोई एक फोल्डर है, मान लो सी ड्राइव के अंदर मेरा धीरज नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर एक फाइल है। मुझे वो फाइल एक्सेस करने के लिए मुझे उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग कमांड लाइन की सहायता से cd कमांड का यूज़ करके हम लोग इजीली दूसरे डायरेक्टरी में जा सकते हैं, दूसरे पाथ में जा सकते हैं। तो अभी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग अभी कौन से पाथ में हैं, हम लोग अभी सी ड्राइव के अंदर विंडोज़ के अंदर System32। तो ये अभी हम लोग अभी एडमिनिस्ट्रेटर वाले पाथ में हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस पाथ में जाएंगे जहाँ पे हमारा दो फाइल्स है। तो उसके लिए मैं cd टाइप करूँगा। cd टाइप करने के बाद स्पेस, आप लोग g टाइप करें, उसके बाद कोलोन, उसके बाद स्लैश, उसके बाद अगर आप लोग को अपने फोल्डर का फर्स्ट लेटर भी याद है तो आप लोग उसको टाइप कर। जैसे मेरे यहाँ पे है लिनक्स टेस्ट बोल के, तो मैं l टाइप करूँगा और यहाँ पे टैप दबा दूँगा, फिर भी ये मेरा यहाँ पे ऑटो टाइप हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं हम लोग अभी लिनक्स टेस्ट फोल्डर के पाथ को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। जैसे मैं इंटर दबाऊंगा हम लोग अपने डायरेक्टरी में आ चुके हैं। सो डायरेक्टरी में आने के बाद पहला कमांड का काम हमारा खत्म हो चुका है। सो यहाँ पे एक और चीज़, जैसे कि आप लोगों ने देखा गाइस यहाँ पे हम मैंने cd टाइप किया था डॉट बैकवर्ड स्लैश और फोल्डर का नाम, मतलब g ड्राइव के अंदर जो फोल्डर में मुझे जाना है और वो फोल्डर का नाम और फिर से बैकवर्ड स्लैश, उसके बाद जैसे मैं इंटर किया तो मुझे ये लिनक्स टेस्ट के अंदर लेके चला गया। तो ऐसे भी आप लोग फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। सो ये चीज हम लोग कब यूज करेंगे गाइस, जब हम लोगों को फोल्डर के अंदर स्विच करना पड़ता है। तो ये हो गया गाइस पहला कमांड। अब बात करें आज के हमारे सेकंड कमांड के बारे में। तो सेकंड कमांड होने वाला है गाइस ls कमांड। ls कमांड गाइस लिस्ट नाम से जाना जाता है। इसकी सहायता से हम लोग अपने फोल्डर के अंदर या फिर अपने डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल्स हैं उन सबको हम लोग शो करवा सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग लिनक्स फोल्डर के अंदर हैं, और फोल्डर के अंदर क्या है गाइस, फोल्डर के अंदर अभी आप लोग को दिखा दूँ, ये दो फाइल्स हैं मेरे। ls टाइप करने के बाद जैसे मैं इंटर दबाता हूँ आप लोग देखें गाइस लिनक्स टेस्ट फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स थे वो सब इसने यहाँ पर शो करवा दिए। मतलब यहाँ पे डेट भी दिखाएगा और लास्ट राइट टाइम कब था, लेंथ कितना है वो, और नेम तो दिखाई गई। ऐसे आप लोग लिस्ट करवा सकते हैं। कभी कभी हम लोग काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं और हम लोग काम करते करते हम लोग को फाइल लोकेशन के बारे में पता नहीं रहता कि हम लोग किस लोकेशन में हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को एक कमांड मिलता है pwd, मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसकी सहायता से आप लोग प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को पता लगा सकते हैं, मतलब आप लोग किस डायरेक्टरी में हैं अभी। जैसे मैं यहाँ पर pwd टाइप करूँ और एंटर करूँ, ये मुझे दिखा देगा कि भाई तुम जी ड्राइव के अंदर लिनक्स टेस्ट के अंदर हो। तो सिंपल इसकी सहायता से आप लोग पाथ को देख सकते हैं, डायरेक्टरी को देख सकते हैं। सो गाइस ये था हमारा तीसरा कमांड। अब बात करते हैं हम लोग चौथे कमांड के बारे में। चौथा कमांड होने वाला है
mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी। इसकी सहायता से हम लोग कर क्या सकते हैं, इसकी सहायता से हम लोग डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं। यस गाइस, कमांड की लाइन की सहायता से हम लोग डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग लिनक्स टेस्ट के अंदर हैं, अब मुझे यहाँ पे एक डायरेक्टरी और बनाना है, तो मैं क्या टाइप करूँगा, mkdir स्पेस, और मान लो मैं एक सिंपल सा नाम देता हूँ धीरज। धीरज टाइप करने के बाद सिंपली मैं अगर एंटर करूँ तो क्या होगा, देखते हैं गाइस क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, इसने धीरज नाम का एक डायरेक्टरी बना दिया। दोस्तों ये धीरज नाम का यहाँ पे तो डायरेक्टरी बन चुका है, बट ये कैसा देखने में है गाइस, क्या ये फोल्डर है या फाइल है, क्या है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे मैं फोल्डर में जाता हूँ, आप लोग देखे गाइस यहाँ पे एक फोल्डर बन चुका है। दोस्तों बात करें आज के हमारे पाँचवें नंबर कमांड के बारे में, पाँचवें नंबर कमांड होने वाला है गाइस rm कमांड, रिमूव कमांड। यस गाइस, rm कमांड काफ़ी ज़्यादा डेंजर कमांड होता है, तो इसको आप लोग जब भी यूज़ करें काफ़ी केयरफुली यूज़ करें। इसकी सहायता से आप लोग जिस भी डायरेक्टरी या फिर जिस भी फाइल पे आप लोग इसको यूज़ करेंगे वो फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। यस गाइस, काफ़ी ज़्यादा ये रिस्की कमांड है और डेंजरस कमांड है, तो इसको आप लोग केयरफुली यूज़ करें। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे आप लोगों को इसको यूज़ करना है। आप लोगों को टाइप करें rm, उसके बाद जिस भी फाइल का नाम लिख रहे हैं आप लोग सिंपली इस फाइल का नाम लिखें। सो इस डायरेक्टरी के अंदर मेरा एक फाइल .txt नाम का एक फाइल है, तो मैं इसको जैसे यहाँ पर टैप दबाता हूँ, ये मेरा यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर चुका है। जैसे मैं इसको एंटर दबाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को फोल्डर में ले जाकर दिखाऊँगा क्या होता है। ये काम कर चुका है गाइस, इसने पूरा डिलीट कर दिया। यहाँ से आप लोग देखें वो मेरा फाइल यहाँ से गायब है, परमानेंटली डिलीट हो चुका है। तो इसको आप लोग जब भी यूज़ करें केयरफुली यूज़ करें। एक और है यहाँ पे मेरा धीरज.txt डायरेक्टरी, कैसे आप लोग उसको हटाएंगे। अगर आप लोग डायरेक्टरी रिमूव करना है तब आप लोग को स्पेशल कुछ टाइप करना पड़ेगा, एक ही लेटर टाइप करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। rm टाइप करें, -r गाइस रिकर्सिव। ये जब भी आप लोग यूज़ करते हैं इसकी सहायता से आप लोग डायरेक्टरी को हटा सकते हैं। डायरेक्टरी उड़ाना भाई काफ़ी रिस्की काम है, मतलब उसके अंदर काफ़ी अंडरलाइन फाइल हो सकती है। सो यहाँ पे हम लोगों ने rm टाइप किया, उसके साथ -r टाइप किया, उसके बाद हम लोगों ने .\backward/, उसके बाद हम लोगों ने अपना फोल्डर का नेम सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे मैं इसको एंटर दबाता हूँ, सो गाइस ये फोल्डर नेम है, मैं आप लोगों को फोल्डर नेम दिखा देता हूँ फिर से। यहाँ पे आप लोग देखें ये फोल्डर नेम हम लोगों ने क्रिएट किया था कुछ समय पहले। सो जैसे मैं इसको एंटर दबाता हूँ, ये गया इसका काम करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं गाइस ये गायब हो चुका है। rm गाइस काफ़ी डेंजर कमांड है, आप लोग इसको केयरफुली यूज़ करें। दोस्तों rm कमांड का मैंने आप लोगों को यूज़ बताया, अब मैं आप लोगों को cp कमांड का यूज़ बताता हूँ। cp कमांड कब यूज़ किया जाता है गाइस, कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैं cp कमांड टाइप करता हूँ और मैं यहाँ से टैब दबाता हूँ, कौन सा फाइल हम लोगों को कॉपी करना है, aboutme.txt नाम का एक जो फाइल था उसको हम लोगों को कॉपी करना है। जैसे मैं एंटर दबाता हूँ, आप लोग देखना क्या होता है। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया गाइस, ये कॉपी सेम डायरेक्टरी में ही कर रहा था, बट हम लोग को सेम डायरेक्टरी में कॉपी नहीं करना, सेम डायरेक्टरी में फिर ये ओवरराइट का झमेला आ जाएगा, तो ये ओवरराइट नहीं कर पाएगा ये कमांड। तो इसके लिए हम लोग करना क्या पड़ेगा, हम लोग को सेम कमांड टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोगों को एक डायरेक्टरी देना पड़ेगा। तो डायरेक्टरी क्या देंगे हम लोग, तो डायरेक्टरी में आ गए, इसमें आप लोग को फोल्डर दिखाता हूँ। फोल्डर खोलते हैं, यहाँ पे मेरा धीरज नाम का एक फोल्डर था गाइस, फोल्डर को ओपन करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हम लोग इस धीरज फोल्डर के अंदर इसको कॉपी करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैं डी टाइप करता हूँ, डी टाइप करना, जैसे मैं टैब दबाता हूँ, सो टैब में दो बार दबाया तो इसने धीरज नाम का जो फोल्डर था उसको सिलेक्ट कर लिया। डॉट कैसे करके सिलेक्ट कर रहा है गाइस, .\backward/ धीरज और फिर से \backward/। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या टाइप किया, कॉपी कर दो भाई अबाउट टेक्स्ट को, कहाँ रख दो, धीरज फोल्डर के अंदर, सेम डायरेक्टरी में है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे सिंगल डॉट, अगर आप लोगों को बाहर लेके जाना है तो डबल डॉट करके बाहर ले जा सकते हैं। उसके बाद जैसे मैं इसको एंटर दबाता हूँ, ये कॉपी हो चुका है। जैसे मैं फोल्डर खोलता हूँ, धीरज के फाइल के अंदर जाता हूँ, ये मेरा यहाँ पे कॉपी हो चुका है। तो गाइस ऐसे आप लोग सिंपली इसको कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड में हम लोग करेंगे क्या, हम लोगों ने अभी कॉपी करना सीखा, अब हम लोग मूव करना सीखेंगे। dhir जो टेक्स्ट है इसको कॉपी करके हम लोग धीरज वाले फोल्डर में इसको डालेंगे। सो ये हमारा फाइल जाएगा इस फोल्डर के अंदर। सो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। mb टाइप करूँगा, mb फॉर मूव .\backward/ टैब dhir.txt, फिर से स्पेस दबाऊँगा, मैं डॉट दबाऊँगा, \backward/ dhir धीरज फोल्डर, dhir.txt को इस धीरज फोल्डर के अंदर मूव कर दो। जैसे मैं एंटर दबाता हूँ, ये मूव हो गया, आप लोग देख पा रहे गाइस यहाँ से ये मूव होके धीरज वाले फोल्डर में चला गया, सिंपल था एकदम। सो गाइस अब मैं आप लोग को बताऊँगा कैट कमांड के बारे में।
सो कैट कमांड की सहायता से आप लोग स्मॉल फाइल्स को इजिली देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। सो यहाँ पे मैं कैट टाइप करता हूँ, कैट टाइप कर मैं टैब दबाऊंगा, देखते हैं क्या लिखा हुआ मेरे अबाउट मी डॉट टेक्स्ट वाले फाइल में। जैसे मैं इंटर दबाता हूँ आप लोग देख पा रहे गाइस आई एम अ डेटा इंजीनियर। काफी सिंपल है, ऐसे आप लोग स्मॉल फाइल्स को इजिली रीड कर सकते हैं। सो गाइस बात करते हैं नेक्स्ट कमांड के बारे में। अब मैं आप लोग को बताऊंगा काफी कमाल का कमांड है गाइस, इसकी सहायता से आप लोग करंट डायरेक्टरी को GZ फॉर्मेट में इसको आर्काइव कर सकते हैं। कमांड लिखता हूँ अपना। सो हमारा कमांड क्या है गाइस, tar-czvf-archive.tar.gz। उसके साथ मुझे डायरेक्टरी देना पड़ेगा अपना डायरेक्टरी। तो मेरा डायरेक्टरी क्या है गाइस, मैं यहाँ पर सिंपली मैं गाइस यहाँ पर टैब दबाऊंगा, उसके अंदर कोई भी एक फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इंटर दबाता हूँ, सो गाइस इंटर दबाने के बाद क्या होगा, क्या ये about.txt आर्काइव होगा? जैसे मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ आप लोग देख सकते हैं archive.tar.gz नाम का एक gz फॉर्मेट में गरारा बन चुका है। एक्सट्रैक्ट टू अर्काइव पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे मेरा अर्काइव नाम का एक्सट्रैक्ट हो चुका है। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं about.txt नाम का ये फोल्डर मेरा अर्काइव हो चुका था। सो दोस्तों बात करें आज के हमारे फाइनल कमांड के बारे में। तो फाइनल कमांड होने वाला गाइस फाइंड कमांड। यस गाइस, इसकी सहायता से आप लोग अपने डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फाइल्स को इजीली ढूंढ सकते हैं। तो ये कमांड है फाइंड, और जिस भी लोकेशन में आप लोग सर्च करना चाहते हो उस लोकेशन का नेम, उसके बाद हाइफ़न देके नेम, उसके बाद ये कंडीशन ये है कि .txt जितने भी फाइल्स हैं मुझे वो शो करवा दो। ये आप लोग फाइल साइज के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं, आप लोग मॉडिफाइड डेट के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आप लोग फाइल नेम से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ, तो जैसे इंटर करते हैं तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं about.me.txt नाम का एक फाइल है मेरे पास, तो इसने वो लिस्ट शो करवा दिया। सो गाइस ऐसे आप लोग किसी भी फाइल को इजीली सर्च कर सकते हैं अपने डायरेक्टरी के अंदर कंडीशन वाइज। पावर सेल में काफ़ी सारे कमांड सपोर्ट नहीं करते, तो मैं हो सकता है आप लोगों को गिट बैश यूज़ करके बताऊं, और गिट बैश में हम लोग देखेंगे कमांड सपोर्ट करते हैं या नहीं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाला है गाइस। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, और ये सारे थे आज के हमारे कुछ लिनक्स कमांड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा इसकी सहायता से हम लोग काफ़ी कुछ ईजिली कर सकते हैं, और ये हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करें। सो मिलते हैं इसी तरह किसी अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।